हाँ तो बच्चों, आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत बार पढ़ा होगा किताबों में। आज हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि मेटल के साथ इसका रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, ये चीज हम आज करके देखेंगे। तो हमारे हाथ में है प्योर कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। एक्सपेरिमेंट मैं करने तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सख्त चेतावनी दे रहा हूँ कि आप घर पे बहुत ही साधारण तरीके से अगर इसे करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने इस कांच की कटोरी में इस HCl एसिड को ले लिया है थोड़ा सा। ये रही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आप सभी को पता है क्या है, ये एल्युमिनियम की फाइल है। ये क्या है बच्चों? एल्युमिनियम की फाइल है। अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, मेटल होता है ना। यस सर। एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल। मेटल होता है, तो ये मेटल है। यस सर। और ये क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। मेटल को अगर हम किस में डालें? एसिड में। कौन सी एसिड है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाल कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यस सर। देखो ये रिएक्शन करना शुरू कर दी, देखा आपने। यस सर। तो ये क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस लाइब्रेशन हो रही है, और एल्युमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होकर के एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करती है। एक बार फिर से करके देखते हैं, थोड़ा सा और डाला है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें से जो गैस लाइब्रेट हो रही है हाइड्रोजन गैस। ओके यस सर।